Rahman Assalamu alaikum, my dear students. This is your teacher, Ms. Sabira Batool. How are you all? In this video, we will learn about cash crops of Pakistan. Now, open page number 62 of your SST book Cash Crops Cotton. Cotton is our leading export. Cotton likes high temperatures and moderate rainfall the main cotton growing areas are southeast punjab and parts of sindh. pakistan produced 11.9 million bales of cotton during 2017 and eighteen. a bale weighs 170 kg. as well as being an important export product, cotton is also the raw material to about 1,000 local ginning factories. पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स रॉ कॉटन एज वेल एज़ टेक्सटाइल्स, कॉटन क्लॉथ कॉटन यार्न एंड मैन्युफैक्चर्ड मेड क्लोथिंग टू बांग्लादेश द यूरोपन यूनियन, टर्की रशिया द यूएसए एंड द मिडल ईस्ट नकदावर फसलें कपास हमारी नुमाया दरमदाद में से एक है ये ऐसे इलाक़ों में उगाई जाती है जहाँ गर्मी हो और मुनासिब बारिशें भी हों जनूबी मशरक़ पंजाब और सिंध के कुछ इलाक़ों में कपास की काश्त होती है सत्रह और अठारह में पाकिस्तान में कपास की पैदावार तकरीबन ग्यारह आशारे नौ मिलियन काटन बेल के बराबर थी जिसमें एक बेल एक सौ सत्तर केजी के जी के बराबर होता है दरामदा होने के साथ साथ कपास हजारों मकामी कारखानों में खाम माल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है पाकिस्तान टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाली कपास के साथ साथ खाम कपास कॉटन के कपड़े ऊल कपास से तैयार शुदा कपड़े बड़े बंगलादेश यूरोपन यूनियन, तुर्की रशिया यूएस ए और मशरक़ वस्ती में दरामदाद करता है कॉटन टेक्सटाइल्स फ्राम द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान which employs about 40% of the industrial workforce in 1948 there are 78000 spindles and 3000 looms in pakistan today there are about 408 mills over 13,409000 spindles and over 9000 looms producing cotton yarn and cloth karachi is the largest cotton textile center followed by faisalabad and hyderabad इन मैनी प्लेस दे आर पावर लूम्स ऑन विच टावल्स हौजरी एंड कैनवस कैनवि आर प्रोड्यूस्ड टेक्सटाइल कॉटन पाकिस्तान की बड़ी सनत है जिसमें मुल्क की तकरीब चालीस फ़ीद सनती अफरादी क़ोत साफ होती है उन्नीस सौ अड़तालीस में सेवेंटी एट थाउजेंड यानि अठहत्तर हजार स्पेंडल्स और तीन हजार लूम्स काम करते थे लूम्स ऐसे आलात और मशीनें हैं जिनसे कपड़े बुने जाते हैं आज 408 मिलों में तकरीबन 13 करोड़ 4 लाख 9 हज़ार स्पिंडल्स और 9 हज़ार से ज़्यादा लूम्स कॉटन और ऊल और कपड़े बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं फैसलाबाद और हैदराबाद की तरह कराची भी कॉटन की सनत का मरकज़ है बहुत से इलाक़ों में पावर लूम्स लगे हैं जहाँ तोलिए हौजरी कैनवस बनाए जाते हैं शुगर कैन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन शुगर एंड गुड़ जगरी आर मेड फ्रॉम शुगर कैन शुगर कैन नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर थ्री मेजर शुगर कैन ग्रोइंग रीजनज आर इन द पंजाब सिंध एंड खैबर पख्तनख्वा पाकिस्तान प्रोड्यूसड ओवर एटी थ्री पॉइंट थ्री मिलियन million tons in 2017 and 18. The planting time for sugarcane crops are strictly observed because late or early planting can reduce the yield. As much as 30%, the sugar industry is one of the largest industries in Pakistan. It is an important source of income and employment for the communities living in sugarcane growing areas. गन्ना पाकिस्तान की दूसरी अहम नक्तावर फ़सल है शक्कर और गुड़ गन्ने से बनाए जाते हैं गन्ने की फ़सल को गर्म दर्ज हरारत और वाफर मकदार में पानी की ज़रूरत होती है गन्ने की काश्त के तीन बड़े इलाक़ों में पंजाब सिंध खैबर पख्तुनख्वा शामिल हैं 2017 और 18 में पाकिस्तान ने तकरीबन 83.3 मिलियन टन से ज़्यादा गन्ने की काश्त की गन्ने की फसल के बोने के वक्त का खास ख्याल रखना पड़ता है वक्त से पहले या तखिर की वजह से फसल की पैदावार में तीस फीसद फर्क पड़ सकता है गन्ने की सनत भी पाकिस्तान की बड़ी सनतों में से एक है ये गन्ने की काश्त के इलाके के लोगों के लिए अच्छी रोज़गार और आमदनी का बाइस है टोबैको दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप द बेस्ट टोबैको ग्रोइंग एरियाज आर इन मरदान एंड पेशावर डिस्ट्रिक्ट टोबैकोज आल्सो एक्सपोर्टेड वो भी एक अहम नकदावर फसल है इसकी काश के इलाकों में मरदान और पेशावर के कुछ ज़िले शामिल हैं तम्बाकू दरामद भी की जाती है